हेलो डियर स्टूडेंट्स, इतिहास में हम लोगों की इससे पहले चार क्लासेस हो चुकी थी। आज ये हम लोगों की पांचवी और संभवतः इस चैप्टर की आखिरी क्लास होगी। तो इसमें जो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर था, इंट्रोडक्शन था ही। इंट्रोडक्शन मतलब इतिहास का परिचय, इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। तो इतिहास का एक तरह से परिचय इसमें आप लोगों से करवाया गया है। इतिहास को किस तरह कालों में विभाजित किया गया, कौन कौन से काल हुए, इतिहास के स्रोत कहाँ कहाँ कौन कौन से थे, इतिहासकारों को कैसे वो स्रोत पता चले। तो उसी में अगला जो हम लोगों का टॉपिक है वो है लिटरेरी सोर्सेज, यानी साहित्यिक स्रोत। द रिटन रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट आर कॉल्ड मैनुस्क्रिप्ट। जो भी लिखित रिकॉर्ड होते थे उनको मैनुस्क्रिप्ट कहा जाता था। मैनुस्क्रिप्ट मतलब पांडुलिपि, यानी हस्तलिखित रिकॉर्ड। दीज आर अवेलेबल ऑन अ वेराइटी ऑफ सर्फेस सच एज पाम लीव्स, द बार्क ऑफ अ ट्री एंड लेटर ऑन पेपर। ये किस पे होते थे? ये पत्ते पे होते थे, पाल्म के पत्ते, यानी ताड़ का पत्ता, यानी जो एक हम लोगों का जो हाथ होता है हथेली, उसी प्रकार का एक पत्ता होता था, उस पर लिखा जाता था। या जो छाल होती थी, पेड़ों की जो छाल होती थी उस पर लिखा जाता था। एंड लेटर, और उसके बाद में ऑन पेपर, पेपर पे लिखा जाने लगा। यानी उस समय पेपर अवेलेबल नहीं था, पेपर बाद में जाके उपलब्ध हुआ। तब तक लोग पेड़ की छालों पे या पेड़ की पत्तियों पे, जो भी साहित्यिक लोग होते थे वो लिखते रहते थे। अब देखिए, इसमें पहला जो है लिटरेरी सोर्स में, साहित्यिक स्रोत में पहला जो है रिलीजियस लिटरेचर, रिलीजियस बना है। रिलीजन यानी धर्म, रिलीजियस मतलब धार्मिक, धार्मिक रचनाएं, जो कुछ भी धर्म के बारे में बहुत सारी रचनाएं हुई हैं, तो उनसे भी इतिहासकारों को बहुत कुछ जानकारियां मिली। देखिए, राइटिंग डीलिंग विथ रिलीजन कॉन्स्टिट्यूट रिलीजियस लिटरेचर, कह रहा है कि जो भी उसको एक धर्म को एक सूत्र में बांधे रखता था, जो भी धर्म धर्म के लोगों को एक प्रकार से बांधे रखता था, वही तो वही क्या होता था, रिलीजियस लिटरेचर, वही धार्मिक साहित्य होता था। मेनी बुक्स कंटेन रिलीजियस थीम। बहुत सारी बुकें हैं, बहुत सारी किताबें हैं जिसमें देखिए द वेद, यानी जो चारों वेद हैं वो भी, वो रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, जटाका, टेल्स आर रिच सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द एंशियंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जो भी वेद हैं, चारों वेद, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, जटाका, ये सब बताते हैं, ये सब एक तरह से जो प्राचीन भारत का इतिहास रहा है उसके एक तरह से ये क्या है, स्रोत है। हमको इनको, इनका जब अध्ययन करते हैं तो हमको कहीं ना कहीं से कुछ जानकारियां ही प्राचीन काल के बारे में पता चलती है। दे प्रोवाइड न्यू हिस्टोरिकल डिटेल्स। ये नए तरीके से इतिहास को पेश करती हैं या इतिहास प्रदान करती हैं। दे प्रूव दैट द इंफॉर्मेशन वी ऑलरेडी हैव थ्रू अदर सोर्सेज इज करेक्ट। ये हमको, ये सब जो भी साहित्यिक धर्म से संबंधित किताबें होती हैं, रचनाएं होती हैं, इनको पढ़ने से हमको ये पता चलता है, या ये इस बात को सिद्ध करती हैं कि जो भी हम लोग इंफॉर्मेशन, हम लोगों को सूचनाएं मिली हैं इतिहास के बारे में, जो भी जिस भी माध्यम से मिली है, वो कहीं ना कहीं क्या है, वो सत्य है। तो जो पहला टॉपिक पहला था आपका रिलीजियस लिटरेचर, यानी धार्मिक रचना। तो धार्मिक रचना में जो भी धर्म से जुड़े लोग रहते थे या जो भी धर्म के बारे में जो भी किताबें आई, इनको पढ़ने से कहीं ना कहीं प्राचीन भारत की, भारत के इतिहास के बारे में जानने को का मौका मिला, ठीक है। दूसरा है सेकुलर लिटरेचर। सेकुलर मतलब होता है धर्म निरपेक्ष, यानी धर्म की भावना से अलग हटकर, धर्म की भावना से अलग हटकर जो भी रचनाएं हुई वही हुआ सेकुलर लिटरेचर। देखिए, लिटरेचर अदर देन रिलीजियस इज कॉल्ड सेकुलर लिटरेचर। अभी हमने आप लोगों को बताया कि जो भी रचनाएं धर्म से हटकर, मतलब धार्मिक भावनाओं से हटके जो भी रचनाएं होती हैं, वही होती हैं हमारी धर्म निरपेक्ष रचनाएं, कह लीजिए धर्म निरपेक्ष
साहित्य कह लीजिए, यानी धर्म निरपेक्ष रचना है। कौटिल्य अर्थशास्त्र रिटेन ड्यूरिंग द रूल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, इन्होंने कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इनकी जो रचना है अर्थशास्त्र रिटेन ड्यूरिंग द रूल ऑफ चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लिखी गई थी। टेल अस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। ये उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में बताता है ये बुक, जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य का, ये हमको चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में बताता है। प्लेज लाइक दैट ऑफ कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम, और कुछ कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, एंड फोल्क टेल कलेक्शन लाइक द पंचतंत्र एंड हितोपदेशा आल्सो थ्रो लाइट ऑन द लाइव्स ऑफ द पीपल। प्लेज लाइक कालिदास अभिज्ञान, कालिदास की रचना है एक अभिज्ञान शाकुंतलम, और इसके अलावा कुछ और भी लोक कथाओं का संग्रह है, जैसे पंचतंत्र, हितोपदेशा, ये कहीं ना कहीं इतिहास के बारे में, ये सब भी अभिज्ञान शाकुंतलम हुआ या पंचतत्व हुआ या हितोपदेशा हुआ, आल्सो थ्रो लाइट ऑन लाइव्स ऑफ द पीपल, ये उस समय के लोगों का जीवन कैसे होता था, इस सब रचनाओं में बताया गया कि कैसे लोग अपना जीवन यापन करते थे, कैसे रहते थे, उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद है हर्ष चरित्रा गिव अस एन अकाउंट ऑफ हर्ष रीजन, राजा हर्ष के बारे में, राजा हर्ष का शासनकाल कैसा था उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। वाणभट्ट एक रचनाकार थे, उन्होंने हर्ष चरित्र एक रचना लिखी थी उसके माध्यम से। द अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स प्ले अ वाइटल रोल इन इम्पोर्टिंग नॉलेज अबाउट एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। जो भी फॉरेन ट्रेवलर आए, यानी जो भी विदेशी लोग भारत में यात्रा करने आए, विदेशी यात्री आए, उन्होंने भी यहाँ आके यहाँ के इतिहास को देखा, यहाँ के लोगों को रहन सहन का करने का तरीका देखा, उसको सोच समझा, और उसको उन्होंने कहीं ना कहीं उसको अपनी एक रचना दे दी। तो उससे भी प्राचीन इतिहास के लोगों के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिली। मेगास्थनीज द ग्रीक एम्बेसडर टू चंद्रगुप्त मौर्य रोट इंडिका। मेगास्थनीज जो यूनानी एम्बेसडर, यूनानी राजदूत था कहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य के वहाँ, रोट इंडिका। उन्होंने क्या लिखी, मेगास्थनीज ने लिखी इंडिका, अपनी एक रचना लिखी इंडिका, विच टेल्स अस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कस्टम ऑफ दोज टाइम्स। तो इंडिका के माध्यम से हमको ये पता चलता है कि उस समय का शासन काल कैसा था, उस समय की सभ्यता कैसी थी। चाइनीज ट्रेवलर्स फैयान एंड हुइयान टैंगसेंग हैव गिवन डिटेल अकाउंट्स ऑफ द किंगडम ऑफ किंग्स चंद्रगुप्त मौर्य एंड हर्षवर्धन रेस्पेक्टिवली। कुछ चाइनीज यात्री, चीन के यात्री आए थे, फैयान एंड हुइयान टैंगसेंग, इन्होंने भी भारत का भ्रमण किया, और किसके बारे में, चंद्रगुप्त और हर्षवर्धन, मतलब राजा चंद्रगुप्त के बारे में और राजा हर्षवर्धन के बारे में, इनके द्वारा भी लिखित जो भी रचनाएं हुई उसमें इनके शासनकाल के बारे में पता चला। मार्को पोलो ऑफ वेनिस ट्रेवल्ड थ्रू इंडिया एंड रोड अबाउट द सोसाइटी एंड कस्टम ऑफ साउथर्न इंडिया। मार्को पोलो जो एक वेनिस का यात्री था, ट्रेवलर था, वो थ्रू इंडिया भारत में आया एंड रोड अबाउट, और कहाँ की सभ्यता के, सोसाइटी एंड कस्टम ऑफ साउथर्न इंडिया, और दक्षिणी भारत के जो भी सभ्यताएं थी, जो भी दक्षिण भारत का समाज था, उनको दक्षिण भारत के लोगों के रहने का तरीका था, उसके बारे में मार्को पोलो ने अपनी रचना में पूरा डिटेल बताया। तो इस चैप्टर में आप लोगों ने देखा कि कैसे कैसे प्राचीन भारत से लेके मध्यकालीन भारत, फिर मतलब मॉडर्न इंडिया, मध्यकाल प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत, आधुनिक इतिहास। तो
तो इतिहास को तीन भागों में विभाजित किया गया था, तो उसको किस प्रकार विभाजित किया गया? और जो एज थे, जो काल थे, उसमें लोगों के रहने का क्या तरीका था, उसके बारे में आप लोगों ने देखा इस चैप्टर में। फिर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास के कौन कौन से स्रोत थे, इतिहासकारों को कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हिस्ट्री के तथ्य मिलते गए, उसके बारे में इस चैप्टर में आपने देखा। अब ये चैप्टर, ये लेसन इस वीडियो में समाप्त हो गया, खत्म हुआ। इसका एक्सरसाइज आप लोग खुद से करेंगे और क्वेश्चन आंसर आप लोगों को लिख के पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोगों के ग्रुप में भेज दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।